हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अब मेरी जो जर्नी थी सीएसआई नेट क्वालिफाई करने की, सीएसआई नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने की, किस तरह से मैंने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया एंड व्हाई इट टेक्स मी 4 अटेम्प्ट टू क्लियर सीएसआई नेट जेआरएफ। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई जर्नी, माई मिस्टेक्स। सो जो भी चीज़ें आपको लगे आप उसको रिलेट कर सकते हो। अभी अभी सीएसआईआर का रिजल्ट आया है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी कन्फ्यूजन में रहते हैं। जिन भी स्टूडेंट का क्वालिफाई हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। बट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो बहुत सारे जो है क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज उनकी रहती है। सो उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं क्वेरीज को लेके ये वीडियो है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी जर्नी के थ्रू जो मैंने अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम एक्सपीरियंस किया है, उस चीज को आप रिलेट कर पाए और अगर आपका लाइफ में भी उसी तरह से है तो आप उसे ओवरकम कर पाए और समझ पाए कि आगे आपको किस तरह से क्या करना है और अगर आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है तो किस तरह से करनी है, और अदरवाइज अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट था तो फिर आप क्या कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली उन्हीं बातों पे जो है वो फोकस करेंगे। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है और जिनके अटेम्प्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि इट्स नॉट द ओनली थिंग, सिर्फ यही चीज नहीं थी, आप बाकी चीजों के लिए भी ट्राई कर सकते हो। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, प्रिपरेशन की होगी, बट अगर आपको उसके बाद भी मतलब वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसे आपने सोचा था, सो डोंट वरी, इट्स द ओनली मैटर ऑफ टाइम। अभी आपका टाइम नहीं है, इस वजह से शायद हो सकता है कि ये एग्जाम आप उस तरह से क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन बाकी और भी चीजें होती हैं, बाकी और एग्जाम्स होते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में इससे बेटर जो है वो चीजें लिखी गई हो। बोलते हैं जैसे कि हमें नहीं आइडिया होता है कि भगवान ने हमारी लाइफ में किस तरह से चीजें रखी होती है, हम जो हमें लगता है कि यही सही है हम बस उतना ही देख पाते हैं, लेकिन गो बियॉन्ड दैट पॉइंट और हो सकता है कि आपके लिए कुछ और चीजें हो, तो फोकस करो किसी और चीज पे जिसमें आप और अच्छे से कर पाओ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको पीएचडी ही करनी है तो आप एंट्रेंस दे सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, डिफरेंट आईआईटीज़ के, इवन वहाँ पे फेलोशिप भी अच्छे प्रोवाइड की जाती है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है तो आप दूसरी चीज़ों पे देख सकते हो। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आप सेट का एग्जाम दे सकते हो, फर्दर नेट के लिए ट्राई कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ जेआरएफ ही मैटर करता है, नेट और सेट भी मैटर करते हैं। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन नेट और सेट होनी चाहिए, सो उसके लिए ट्राई करो, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन मेनली जेआरएफ के लिए है, नेट के लिए नहीं है। सो आप इस तरह से अपना जो है वो देख सकते हैं, जिनका जेआरएफ के लिए एज लिमिट जो है वो खत्म हो गया है। बाकी जो भी स्टूडेंट अभी ट्राई कर रहे हैं उनकी एज लिमिट है, अभी अपने मास्टर्स में है, तो ये वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं जब मैंने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से की थी, मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था, वो सारी चीजें जानने के लिए। दूसरा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो इस साल सब लोगों के मन में आ रहा है, बहुत स्टूडेंट्स के जिन्होंने भी सीएसआई का एग्जाम दिया है, कि व्हाई दिस ईयर्स कट ऑफ इज सो हाई, इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों चली गई। आपने कट ऑफ देखी होगी 99.2 के अराउंड जो है वो जनरल की कट ऑफ है जेआरएफ की, तो इतनी ज्यादा कट ऑफ जो पिछले ईयर्स थे उनके कंपैरेटिव में इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। सो आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होगी, मेन रीजन जो है इसका वो सीट्स है। देखने में ये आ रहा है कि जो इस बार का जो पेपर लिया गया उसमें सीट्स जो है कम बच्चों को जो है वो क्वालिफाई किया गया है जेआरएफ में, कंपैरेटिव टू जो प्रीवियस ईयर्स की जब कट ऑफ आती थी उसके। सो इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कम सीट्स जो है वो दी गई हैं। सो देखो ये हमारा रिजल्ट है, दिसंबर 2023 का रिजल्ट। आप कट ऑफ देखो लाइफ साइंस की, अनरिजर्व की 99.21, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, और यहाँ पे नेट की आप कट ऑफ देखोगे 98.05, ये भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। मतलब जब आप प्रीवियसली कंपेयर करोगे, अगर मैं बात करूँ दिसंबर की ये है, जून की अगर मैं बात करूँ तो जून में जो है वो कट ऑफ इतनी गई थी 98.99 और एलएस की गई थी 97। इससे पहले भी अगर हम बात करें, इससे पहले जो एग्जाम जून 2022 का था उसकी अगर कट ऑफ देखें तो 98.81 और 97.50, मतलब कहाँ 99.2 है और कहाँ 98.81 है, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो कट ऑफ में आ गया है। तो अब आपको दिखाती हूँ कि इस साल का, इस दिसंबर वाले अटेम्प्ट का ये हमारे पास रिजल्ट है, दिसंबर 2023 जेआरएफ नेट सीएसआईआर। देखो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो जेआरएफ सीएसआईआर में क्वालिफाई हुए हैं 1424,
ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूजीसी के अंदर जो है वो कितने कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हुए, क्योंकि मेनली दोनों उसमें डिवाइड किया जाता है, सीएसआईआर और यूजीसी में। सो यहाँ पे देखो यूजीसी के जो है वो कितने हैं, 1875 यूजीसी के कैंडिडेट है, 1875 जेआरएफ क्वालिफाई करने के, और जो सीएसआईआर में जिनको दिया वो 1424 है। अब मैं जब आपको पिछला रिजल्ट दिखाती हूँ, ये जो इससे पिछला जो रिजल्ट था इसमें देखो सीएसआईआर के तो 1140 है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, अभी इवन ज़्यादा है, 1424 है। लेकिन जब आप यूजीसी का देखोगे उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है। आप देखो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले थे 3300, और जब आप यहाँ पे जाओगे यूजीसी की लिस्ट देखोगे तो इस बार जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो कितने हैं, बहुत ही कम, मतलब कि कंपेरेटिव 3300 के हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम है, 1875। सोच लो 3300 और 1875 में ऑलरेडी कितना ज़्यादा गैप है, इतना फर्क पड़ गया है, मतलब कि सीट्स में यहाँ पे इतनी कम जो है वो सीट, हाफ, ऑलमोस्ट हाफ मान लो इसको। सो यूजीसी में जो क्वालिफाई किए हैं अभी जेआरएफ वो 1875 है, लेकिन पिछले में जो क्वालिफाई किए थे वो 3300 कैंडिडेट्स थे। यहीं पे आप देख सकते हो जब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट कम है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो हाई है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस बार जो है वो डीएसटी ने स्कॉलरशिप इंक्रीज किया है, जेआरएफ का अमाउंट जो है वो ऑलरेडी 37,000 कर दिया गया है, एसआरएफ का अमाउंट जो है वो 42,000 कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप का अमाउंट तो इंक्रीज किया है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए बोल सकते हैं, या कुछ भी इस तरह से देख लो कि सीट्स जो है वो कम कर दी गई हैं। अमाउंट इंक्रीज किया गया है लेकिन सीट्स जो है वो कम कर दी गई, और वही मेन रीजन था इस बार कट ऑफ हाई जाने का। सो होप सो आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस बार हमारी कट ऑफ जो है वो हाई गई है। सो ये हमारे पास कट ऑफ हाई जाने का रीजन था, क्योंकि सीट्स जो है वो क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं कंपेरेटिव जो लास्ट ईयर, जैसे हमने देख लिया एनालाइज करके कि दोनों रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन आप उसे प्रीवियस भी उठाओगे रिजल्ट, आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस बार कंपेरेटिव सीट्स जो है वो कम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इसी रीजन की वजह से जो हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सो यही चीज़ है, आगे भी फर्दर यही होगा कि कट ऑफ हो सकता है कि इसी तरह से रहे, क्योंकि सीट्स तो ऑब्वियसली अगर डिक्रीज की गई है तो हो, ये डिपेंड करता है सीएसआईआर पे, कभी डिक्रीज करते हैं कभी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिक्रीज कभी नहीं हुआ था। हो सकता है कि अब वो इतने ही बच्चों को जो है वो जेआरएफ प्रोवाइड करें फर्दर नेक्स्ट ईयर से। सो अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम बोल सकते हैं हमें और ज़्यादा जो है प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को जब हम अटेम्प्ट देते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं तो हम कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि क्या मैं एग्ज़ाम कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं, मतलब किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करें और कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो माइंड में आते हैं। सो मैं अपनी सिर्फ जर्नी बताऊंगी, अगर आप रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की इसके थ्रू जो है वो हेल्प हो, इसलिए मैं इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, किस टाइम स्टार्ट किया था, एक ओवरव्यू बताती हूँ पूरा कि किस तरह से मेरे अटैम्प्ट थे और कितने मैंने अटैम्प्ट किए थे। तो जब मैंने अपना एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मास्टर्स में हम लोग अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो मास्टर्स तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है नेट का, और मैं भी उन्हीं में से थी, इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था कि नेट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि आफ्टर कोविड के टाइम के बाद बहुत ज़्यादा स्कोप इंक्रीज हो गया है, ऑनलाइन हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। लेकिन मैं जब मास्टर्स कर रही थी, मैंने 18-20 में जो अपनी मास्टर्स की है, 18 और 20 में, उस टाइम हो सकता है कि ये मेरी गलती हो कि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था नेट के बारे में कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। इतना था कि मुझे करना है, बट किस तरह से, क्या पैटर्न है, क्या चीज़ें हैं, वो सब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मास्टर्स में, जब हम मास्टर्स में होते हैं, तो मास्टर्स में 2018 में मैंने अपनी एडमिशन लिया है। जब हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली दिसंबर वाला, वो वाला 2018 का अटैम्प्ट मैंने नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आए होते हैं। लेकिन जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी, तो जून में जो 2019 का एग्ज़ाम था, जून 2019 का हम एग्ज़ाम बोल रहे हैं, तो वो वाला एग्ज़ाम जो है वो मैंने दिया था। उस टाइम हमने फॉर्म फिल किए थे, और वो वाला
पेपर जो था वो ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन हो गया है क्योंकि एनटीए कंडक्ट करवाता है, पहले सीएसआईआर ही कंडक्ट करवाता था, तो ऑफलाइन ही एग्जाम होता था और सेंटर इसका मतलब कि कुछ कुछ जगह पे ही सेंटर था, तो ये मैंने ऑफलाइन एग्जाम दिया था। लेकिन जून 2019 में मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने सच एस कोई प्रिपरेशन नहीं की थी इस तरह से, बस वही यूनिट्स जो मास्टर्स में हम पढ़ रहे थे वो वाली चीज़ें मैंने जो है वो कंटिन्यू करी हुई थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने जो है ये पेपर दिया था। जस्ट सब मुझे देखना था किस तरह से पेपर आता है, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था जब मैंने पेपर दिया। लेकिन मुझे जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा कि अगर मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगी तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ यूनिट्स थी जो मुझे लग रहा था कि मैं इन पे फोकस कर सकती हूँ। जैसे इकोलॉजी मुझे कंपैरेटिव जो है, मैं इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था तो इसके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहे थे, तो मुझे लगा कि इस तरह के यूनिट्स पर अगर मैं फोकस करूंगी तो शायद मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए कुछ प्रिपेयर कर पाऊँ। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट जो था वो दिसंबर 2019 का था। इस टाइम तक जैसे मैंने बोला इकोलॉजी मेरे लिए अच्छा यूनिट था, मुझे लगता था इकोलॉजी मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कुछ यूनिट्स के जो है नोट्स बना के रखे थे। आप बोल सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से बनाए थे कुछ नोट, जो भी हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज यूट्यूब बोल सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली मैंने कहीं से भी जो है वो इस तरह सब्सक्रिप्शन या वो चीज़ें नहीं ली थी, कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन खुद ही जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश की थी। ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज है, यूट्यूब बोल सकते हैं, वीडियोस, नोट्स जितने मेरे से बन सकते हैं बुक्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें मैंने करके इकोलॉजी के जो है वो नोट्स बनाए थे। सिर्फ नोट्स मैंने बनाए थे और मैं प्रिपेयर कर रही थी, साथ साथ में मैं क्वेश्चंस भी देखे जा रही थी कि किस तरह के, अगर मैंने इकोलॉजी की यूनिट की है तो किस तरह के क्वेश्चन इसके आएंगे, वैसे वैसे मैं जो है इसको प्रिपेयर कर रही थी। सो इकोलॉजी का मैंने यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से किया था, तो कुछ ही यूनिट्स कर पाई थी मैं इकोलॉजी बोल सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का मैंने कुछ पोर्शन किया था, बहुत कम यूनिट्स सेल बायोलॉजी मैंने की थी, तो ऐसा नहीं था कि बहुत सारी यूनिट्स, बहुत कम यूनिट्स मैंने जो है की थी, ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स तक मैंने जो है ये एग्ज़ाम, इस एग्जाम के लिए दिसंबर 2019 के लिए मैंने किया था। तो दिसंबर 2019 का जब मैंने पेपर दिया, जून 2019 में, तो मेरे मार्क्स भी ऑब्वियसली मैं सिर्फ देखने गई थी तो नहीं थे इतने अच्छे मार्क्स, अराउंड 60 या 60 से भी कम मार्क्स जो है वो मेरे बन रहे थे। दिसंबर 2019 का जब मैंने पेपर दिया उस टाइम जो है पेपर ऑनलाइन हो गया था, और ऑनलाइन होने के साथ साथ उस टाइम जो है आई थिंक मुझे जितना ध्यान आ रहा है एनटीए का स्कोर भी जो है वो शायद इसमें इंक्लूड किया गया था, लेकिन मेरे उस टाइम भी मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, 70 के अराउंड ही मार्क्स जो है बन रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि जिन यूनिट्स को मैंने प्रिपेयर किया था उनका मैं अच्छे से कर पा रही थी, तो मुझे आइडिया था कि नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके ये देना है तभी मैं इसको कर पाऊंगी। जब भी हम लोग स्टार्टिंग में एग्जाम देते हैं तो देखो चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें पता लग जाता है जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कि ये एग्जाम में करने के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम हम कर ही नहीं सकते, जब खुद हम मास्टर्स कर रहे हैं क्या नेट में मास्टर्स लेवल का ही पेपर आएगा, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा खुद को पुश करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बस हमें देखने की जरूरत होती है कि हम कौन से जगह पे लैग कर रहे हैं, हम यूनिट्स में लैग कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन में लैग कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में लैग कर रहे हैं, किस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ तक सीख सकते हैं। दिसंबर 2019 का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने कुछ यूनिट की थी और कुछ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मैं कर पाई थी। देन बात आती है उसके बाद 2019 के बाद, सबको ध्यान है कि 2019 के बाद जो है कोविड हो गया था, 2020 में सब कुछ बंद हो गया था, जून का अटेम्प्ट जो है वो नहीं आया, मैं बात कर रही हूँ जून 2020 की, तो वो पेपर नहीं आया, और उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि अगला एग्जाम आएगा कि नहीं, और पता भी नहीं था कि कब तक एग्जाम जो है वो आ सकता है, लेकिन मुझे वो वाला अटेम्प्ट जो है वो देना था, सीरियस होके देना था, क्योंकि मुझे था कि मेरे को थोड़ा सा ही मतलब खुद को पुश करने की जरूरत है, मुझे लग रहा था कुछ यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूँ, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करूँ तो शायद मैं कर पाऊंगी। जून 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम आया नवम्बर 2020 में, सबको ध्यान होगा नवंबर 2020 में एग्जाम आया था, लेकिन उस टाइम कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी, मतलब हमारी मास्टर्स थी और मास्टर्स जैसे जून 2020 में खत्म होती है, कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहे थे, सारे एग्जाम अक्टूबर नवंबर में चले गए थे, सो हमारे जो एग्जाम थे वो भी उस टाइम हो रहे थे और नेट का पेपर भी उसी टाइम आ गया था, तो जितना मुझे टाइम मिला जितना मैं कर पाई मैंने कुछ यूनिट्स करी, और उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 10 साल के ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने अच्छे से एनालाइज करके जो है वो इस पेपर को दिया कि किस तरह से मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, जिन यूनिट को मैंने प्रिपेयर किया है उनके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं।
2020 में मुझे होप थी कि मतलब कि कुछ नहीं, अगर जेआरएफ नहीं होगा तो नेट शायद मैं कर पाऊंगी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, एनटीए स्कोर आया ऑब्वियसली नवंबर 2020 का, तो 91 पॉइंट कुछ जो है वो मेरा परसेंटाइल बन रहा था। परसेंटाइल की मैं बात करूँ, मार्क्स 100 अबव थे, लेकिन परसेंटाइल जो है, मार्क्स मैंने खुद जो आंसर की के थ्रू लगाए थे, 100 अबव बन रहे थे, लेकिन परसेंटाइल जो है वो 91 के अराउंड ही बन रहा था। और ऑब्वियसली आपको ध्यान होगा कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, 98 अबव या फिर 99 अबव जो है वो परसेंटाइल होनी चाहिए, तभी जो है आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो सकता है, जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी की। इसलिए मेरा नहीं हो पाया उस टाइम भी, लेकिन उस एग्जाम ने, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, अगर आप देख पा रहे हो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन उस एग्जाम ने मुझे ये पता करने में हेल्प की कि मैं कहाँ पे जो है मेरी कमी हो रही है, कहाँ पे मैं मेनली लैक कर रही हूँ। तो मेरे को था, एक तो मैं यूनिट्स बहुत कम प्रिपेयर कर रही थी, मेरे को ऑलमोस्ट 13 यूनिट्स में से, अगर मैं 6 यूनिट्स भी कर रही हूँ तो वो कम है, 8 और 9 यूनिट्स जो है वो मुझे टच करनी पड़ेगी, वो भी अच्छे से। और बाकी यूनिट्स को मैं देख सकती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकती हूँ, किस तरह से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कर सकती हूँ, ये सब मुझे ध्यान में था। बाकी मेरा बैकग्राउंड बॉटनी का है, मैंने मास्टर्स बॉटनी में किया है, लेकिन इस पेपर के बाद मुझे लगा कि मुझे कोई जुआलॉजी की यूनिट भी जो है वो देखनी पड़ेगी, तो इसलिए मेरे को ये सब चीज़ें ध्यान में आई और मैंने यही चीज़ें सोच के किया। और जो मैंने जुआलॉजी की यूनिट देखी वो थी बायोलॉजी की यूनिट, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी करना मेरे लिए टफ था, तो मैंने डैप बायोलॉजी को जो है वो चूज किया, और बाकी के जो भी यूनिट्स बॉटनी में आते हैं उनको किया, और कॉमन यूनिट्स ऑब्वियसली सेल बायोलॉजी, सिग्नलिंग, वो सारी यूनिट्स रहती हैं, वो तो मैंने की ही। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 8 to 9 यूनिट्स को जो है वो कवर किया, और उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स को देख के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, सारी चीजें करके, नवंबर 2020 के बाद एग्जाम जो है पूरे 2021 में हुआ ही नहीं। अभी तक जो है वो नवंबर 2020 के बाद 2021 में एग्जाम आया ही नहीं। तो देखो, मैंने जो अटेम्प्ट दिए थे वो वही जून 2019 के थे, दिसंबर 2019 का था, एंड देन उसके बाद मैंने नवंबर 2020 में अटेम्प्ट दिया, मेरे 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे। अब जो है वो पेपर 2021 में आया ही नहीं, कोविड की वजह से पूरे ईयर में मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम नहीं आया। लेकिन उससे पहले मैंने, जब भी मैं प्रिपरेशन कर रही थी नवंबर तक की मैं बात करूँ, तो उससे पहले मेरे पास जो है वो कंप्लीट नोट्स मैंने बना लिए थे, खुद मैंने प्रिपेयर किए थे, डिफरेंट इंटरनेट रिसोर्सेज से मैंने और बुक्स से जो है वो नोट्स प्रिपेयर करे थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे थे, मतलब जो भी यूनिट मेरे को करनी थी, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक मेरे जो सारे 10 ईयर्स के थे वो मैंने एनालाइज किए थे, जिसको बोल सकते हैं कि एक तरह से लिखे हुए थे, उस तरह से मैंने जो है वो प्रिपेयर कर लिया था। 2021 में जो है वो एग्जाम आया ही नहीं, पूरे साल नहीं आया कोविड की वजह से। और उस टाइम में अपनी जो है वो एमफिल कर रही थी मास्टर्स के बाद, 2021 की बात है, 2021 नवंबर या फिर दिसंबर में आई थिंक नोटिफिकेशन आया, या मेरे को लगता है कि नोटिफिकेशन पहले आ गया था, लेकिन जो कंफर्म न्यूज़ थी वो आई दिसंबर के अराउंड कि एग्जाम कंडक्ट होगा 17 फरवरी को, लाइफ साइंस का एग्जाम कंडक्ट होगा। और अब मैं बात कर रही हूँ 2022 की, 2021 में एग्जाम नहीं था, 17 फरवरी 2022 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे मैंने बोला 2021 में मैं अपनी एम फिल परस्यू कर रही थी, तो मेरे को था कि मेरे को ये एग्जाम करना ही है कैसे भी, तो दिसंबर के अराउंड लास्ट में मेरी एम फिल की डेजिटेशन मैंने सबमिट करवा दी, और बाकी के जो दिसंबर 31 को मैंने अपनी सबमिशन, मतलब कि अपना जो भी डेजर्टेशन था वो कंप्लीट किया 31 सॉरी मार्च नहीं, दिसंबर में बोल रही हूँ, 31 दिसंबर 2021 तक। देन जो 22 का, आप देख सकते हो कि कितना टाइम बचा, जैन टू 17 फेब तक, 1 जैन से लेकर 17 फेब तक, और मुझे यही टाइम मिला था लास्ट में प्रिपेयर करने के लिए अपने एग्जाम के लिए। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि बस वही 1.5 मंथ मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 अटेम्प्ट दे चुकी थी, जैसे मैंने बोला मेरे पास नोट्स प्रिपेयर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट थे, तो मेरे को सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करनी थी एक तरह से। तो जब मैंने 1 जनवरी से लेकर 17 फेब तक का जो मेरा टाइम था, उसको मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इस तरह से यूटिलाइज किया कि मतलब एक एक मिनट को यूटिलाइज करने की कोशिश की, जितनी यूनिट्स में रिवाइज कर सकती हूँ, जितने क्वेश्चंस में देख सकती हूँ, जितनी प्रैक्टिस में कर सकती हूँ उतनी मैंने की, और उस एग्जाम को मैंने दिया 17 फेब। इवन उससे पहले 12 फेब को जो है वो गेट का भी एग्जाम था उसी टाइम, और ये जो था नेट का एग्जाम था, मैंने दोनों एग्जाम दिए, गेट का भी दिया और नेट का भी दिया,
और ये दोनों एग्जाम जो है मेरे 2022 में जो है वो क्लियर हो गए। गेट का एग्जाम भी मेरा क्लियर हो गया 2022 में, और नेट का एग्जाम भी मेरा क्लियर हो गया। और मैंने इस बार जो है वो JRF क्वालिफाई कर लिया था नेट का, अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी जर्नी थी। मैंने किस तरह से जो है कितने अटेम्प्ट दिए और कब मैं जो है वो अपना क्वालिफाई कर पाई। तो देखो ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था जब मैंने अपना JRF जो है वो क्वालिफाई किया था, और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा JRF जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो मेरा 124 जो है वो ऑल इंडिया रैंक था। बहुत अच्छा रैंक मैं नहीं बोल सकती हूँ मेरे, लेकिन ये मेरा रैंक था उस टाइम, और मेरा UGC के अंडर जो है वो JRF जो है वो क्वालिफाई हुआ था। अब मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन जो मतलब मोटिव है वो यही है कि ऐसा नहीं होता है कि हम एक दो अटेम्प्ट में गिव अप कर दें और फिर सोचें कि यार मेरे मुझसे नहीं हो रहा है, लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरा इतना कम परसेंटाइल क्यों हो रहा है। मैंने आपको खुद बताया जून 2019 वाले में तो मेरे 60 से कम मार्क्स थे, दिसंबर में भी अराउंड 70 या 80 के अराउंड मार्क्स मेरे बने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं बने थे। तो खुद देखो उस चीज़ में अगर मैं उसी टाइम गिव अप कर देती फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में कि यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, टफ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो शायद नहीं हो पाता। इवन उसके बाद भी कोविड का इतना लंबा गैप था, एग्जाम नहीं आ रहा था, फिर भी मेरे को था कि मैंने करना है। जब आप खुद में सोच लोगे कि आपके पॉसिबल है और आपको करना है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप खुद को समझा के पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे ना, तो ऐसे नहीं होगा कि आप अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं उन स्टूडेंट को ये बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपना ऑलमोस्ट थर्ड अटेम्प्ट दे दिया, फोर्थ अटेम्प्ट दे दिया या उससे ज्यादा अटेम्प्ट दिया, गिव अप नहीं करना है। अगर आपके पास है अभी भी मतलब कि आपके अटेम्प्ट बच रहे हैं और आप चाहते हो, मतलब ये है कि जिसको बोलते हैं ना जबरदस्ती नहीं, फोर्स करके नहीं, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि नहीं ये चीज मुझे करनी है और मैं अच्छे से ही करूँगा, तो आप करो, ट्राई करो, गिव अप मत करो, ट्राई करो, एक और बार ट्राई करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। जिस तरह से मैं खुद को बोल रही हूँ कि मैंने एनालाइज किया कि मेरी कमी कहाँ पे रह रही थी, यूनिट्स में कम कर रही थी, प्रैक्टिस में कम कर रही थी, जो भी चीज में कम कर रही थी उसको मैंने मतलब खुद को फोर्स करने, मतलब इस तरह से पुश करने की कोशिश की कि यार नहीं मुझे करना है। और इस तरह से मेरा जो फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम जो है क्वालिफाई हुआ है। 2022 में जो एग्जाम लिया गया था, बोला इसको जून 2021 का एग्जाम था क्योंकि एग्जाम पहले कंडक्ट नहीं हुआ था, लिया गया था ये 17 फेब 2022 को। तो उस टाइम मैंने अपना JRF और इवन गेट भी उसी टाइम में मैंने क्वालिफाई किया था, 12 फेब और 17 फेब, इस तरह से इन एग्जाम की जो वो डेट थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की, स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी और किस तरह से मेरी प्रिपरेशन हुई। आपने देख लिया कि मेरे अटेम्प्ट किस तरह से थे और कौन से अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने बताया कि उसमें मेरी कोई यूनिट्स नहीं थी, जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था जून 2019 का, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मास्टर्स के टॉपिक थे वही मैंने प्रिपेयर किए थे, और जो यूनिट उस सेमेस्टर में चली हुई थी वो मेरी अच्छे से प्रिपेयर थी, बाकी नहीं। देन दिसंबर 2019 की जब मैं बात कर रही हूँ, तो दिसंबर 2019 में मैंने कुछ यूनिट्स जो है वो कवर की थी। इकोलॉजी के नोट्स मेरे पास थे, एवोल्यूशन के नोट्स मेरे पास थे, प्लांट फिजियोलॉजी के नोट्स मेरे पास थे, ये यूनिट्स ऐसी थी जो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर ली थी। इवन टेक्निक्स पे मैंने थोड़ा बहुत फोकस करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। जेनेटिक्स मैंने देखी थी मतलब, पर इतने अच्छे से मैं उसको नहीं कर पा रही थी। उसके अलावा मैंने सेल्स सिग्नलिंग देखी थी, सेल बायो के कुछ टॉपिक्स मैंने किए थे, बहुत अच्छे से नहीं बोल सकती हूँ। तो ये यूनिट्स मैंने की थी, लेकिन उस टाइम मेरी इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं थी। इकोलॉजी, एवोल्यूशन और प्लांट फिजियोलॉजी, यही यूनिट मेरी अच्छे से प्रिपेयर थी, बाकी मैंने जस्ट बोलते हैं ना ओवर थ्रू वैसे किया था। और मैंने इनके नोट्स प्रिपेयर किए थे, एक और बार मैं ये बात बोल रही हूँ, नोट्स प्रिपेयर करना, अपने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, खुद की हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाओ, लास्ट मोमेंट पे उनको इतना कंसाइज बनाना नोट को कि उनकी यूनिट जो है वो कवर हो रही हो, या फिर टॉपिक मान लो एक टॉपिक एक पेज में कंप्लीट हो रहा है, बस खत्म। उस तरह से जब आप लास्ट में नोट्स इतने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ना, जब आप लास्ट में देखते हो ना, जब आपके पास कम टाइम रहा होता है और आपके नोट्स ऑलरेडी आपके हाथ में होते हैं, इतना ज्यादा रिलैक्समेंट मिलती है और आप इतने अच्छे से कवर कर पाते हो क्योंकि वो आपने खुद बनाए होते हैं। तो मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे और ये वो मेरा टाइम था। आप देखो नवम्बर 2020 में मेरे एग्जाम हुए थे, उसके बाद मास्टर्स के या फिर नेट का दोनों का, इस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया था नोट्स बनाने में, नोट्स प्रिपेयर किए थे बाकी जितनी यूनिट थी उनके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था, एनालाइज किया था सारी चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को करना, कहीं से भी नोट्स बनाओ। मैं नहीं बोल रही हूँ मैंने खुद सब्सक्रिप्शन नहीं ली थी किसी की, जैसे उस टाइम बहुत ज्यादा ऑनलाइन भी, अभी तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, आप किसी कोचिंग ले सकते हो किसी इंस्टीट्यूट से, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मैंने वो जो है खुद एनालाइज करके मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज से, नो डाउट मैंने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ली है, लेकिन मान लो यूट्यूब के वीडियोस की हेल्प ली है,
या फिर अपनी जो बुक्स थी वो उनसे बनाए हैं। इवन पाथ फाइंडर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कुछ यूनिट्स में, मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूलर की, इकोलॉजी में भी इवन हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, सेल बायो में इवन हेल्प करती है आपकी बहुत ज़्यादा। तो पाथ फाइंडर भी आपके पास होनी चाहिए और बहुत ही हेल्प करती है मेनली ये बुक भी। तो आप इस तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। जब मैंने इस तरह से अपने सारी चीज़ें जो है नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए थे नवंबर 2020 की, मैं ये बात कर रही हूँ, उसके बाद जब पूरे 2021 में एग्जाम ही नहीं आया था, तो मैंने वही था कि प्रिपरेशन करी थी, सारी यूनिट्स के नोट्स मेरे पास थे। लास्ट में जब दिसंबर में ये पता लगा था, दिसंबर 2021 में, कि फेब में 2022 में जो है पेपर लिया जाएगा, और मैंने अपनी नोट्स की कॉपी उठाई थी, तो मेरे पास सभी यूनिट्स के नोट ऑलरेडी प्रिपेयर थे। आप बोल सकते हैं ऑलरेडी सभी यूनिट्स के, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी इकोलॉजी एवोल्यूशन तो मैंने पहले भी की थी, इसके अलावा मैंने डेप बायो के नोट्स मेरे पास थे, फिर जेनेटिक्स मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी उस टाइम तक, टेक्निक्स मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी, सारी टेक्निक्स ऑलमोस्ट, क्योंकि टेक्निक्स पे क्वेश्चन बनते ही है, वो मैंने बहुत अच्छे से देख ली थी। सिग्नलिंग वाली यूनिट मैंने बहुत अच्छे से देख ली थी। बायोकेमिस्ट्री मैंने नहीं की थी अगर मैं सही बात बोलूँ, और सेल बायो भी इतने अच्छे से नहीं की थी, सेल बायो की थी लेकिन मैंने बाकी यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस किया था, और बहुत कम मैं बोल सकती हूँ उस पर मैंने अपना जो है टाइम दिया था, बायोकेमिस्ट्री मैंने नहीं की थी। तो ये कुछ यूनिट्स थी जो मैंने प्रिपेयर की थी, इवन सेल सिग्नलिंग में तो इम्यूनोलॉजी भी इसी में इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा एक और कैंसर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट में ही कवर हो जाते हैं, कैंसर बायोलॉजी वाला पोर्शन वो भी मैंने कवर किया था, और इनसे जो बहुत सारी चीज़ें बन रही थी डेप बायो में से, बहुत सारी जेनेटिक्स टेक्निक्स इकोलॉजी एवोल्यूशन प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी यूनिट्स मैंने जो है वो की थी प्रैक्टिस करके। अब आप जेनेटिक्स में देखो थ्योरी कितनी कम है और क्वेश्चन कितने ज़्यादा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वहीं पे मैटर कर जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छोड़े थे बिल्कुल भी इनके, और जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से आप पेडिग्री मान लो, पेडिग्री के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, एवोल्यूशन में मान लो हार्डी वेनबर्ग, हार्डी वेनबर्ग के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक, तब तक कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। और यही मेन चीज है CSIR में, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन हमें आइडिया ही नहीं लगता है क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, हम वहीं पर लैग कर जाते हैं। जब तक आप सारी चीज़ें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा, आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे आपको प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है। तो ये यूनिट्स जो है वो मैंने प्रिपेयर की थी, उन यूनिट्स को मैं बता रही हूँ। नो डाउट अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, उस टाइम मेरी जो परसेंटाइल बनी थी वो बनी थी 99.02 के अराउंड, आई थिंक इतनी मेरी जो है वो परसेंटाइल थी, तो जब मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया था। लेकिन अब आप खुद देखो इस बार परसेंटाइल कितनी गई है, 99.2 JRF की, तो यानी कि आपको और ज्यादा खुद थोड़ा सा खुद को और ज्यादा जो है वो यूनिट्स कवर करनी पड़ेंगी, और खुद को उस तेरी मतलब उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा जिस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत छोड़ना, ऑलमोस्ट 5 to 6 years के तो आपको पता होनी चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट रिपीट आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि रिपीटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं CSIR में इतने, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है अगर प्रीवियसली आ चुका है, वो आपको आना ही चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कन्फर्म, और उनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत छोड़ना जो प्रीवियसली कवर हुआ, और उसके बाद जो है आप यूनिट्स देखो, थ्योरी देखो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो, CSIR मेनली प्रैक्टिस पे ही जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन पार्ट ए जो होता है CSIR का वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कुछ क्वेश्चन नंबर से हम लैग कर रहे होते हैं, तो ये पार्ट ए में अगर आप कुछ अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, थोड़ा सा ही 10 मार्क्स भी अगर आपके बन रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, आप को अच्छे से आपको क्वालिफाई करने में, आपका JRF करवाने में, या फिर जैसे नेट और JRF में कितना कितना ही फर्क रहता है, 2-3 मार्क्स का भी फर्क पड़ता है कई बार, तो पार्ट ए में आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप उसको कवर कर लेते हो। बी और सी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको करना ही है, और सी पार्ट पे मेनली जो है ज्यादा फोकस करना। सी पार्ट पे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा पार्ट सी में जो है वो 25 क्वेश्चंस करने होते हैं और 100 मार्क्स वहीं पे बन जाते हैं, अगर आपके 24-25 सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। पार्ट बी में आपको जो 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, और पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो देखो मैक्सिमम जो है वो यही बनाता है, पार्ट सी बनाता है। 120 के अबव अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, 120 अबव रखो अपने JRF के मार्क्स, तभी आप जो है वो JRF क्वालिफाई कर पाओगे। तो जब मैंने अपना पेपर दिया था तो पार्ट सी में मेरे ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन में मुझे ध्यान है ठीक थे, पार्ट बी में मैं इतना कवर नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरे मार्क्स जो है वहाँ पे कम थे, मैंने मुश्किल से आई डोंट नो 20 क्वेश्चन से कम कम जो है वो अटेम्प्ट किया हुआ था, और पार्ट ए में भी मेरे कुछ क्वेश्चन ठीक थे, तो मैं मतलब कि ऑलमोस्ट इतने 10 मार्क्स शायद मेरे इसमें भी बन रहे होंगे।
तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको कवर करना है चीजें, पार्ट सी पे मेनली फोकस करना, पार्ट सी के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रीवियसली जो भी है उनको सॉल्व करना, और आपको समझ आ जाएंगी चीजें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऐसा मतलब नहीं होता है उसका कि रिपीट होंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। जब आप इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो जब आपका वो 3 आवर्स का पेपर होता है उसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं लगते हैं कि अलग से आप देख रहे हो कुछ, आप ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, फिर आपको क्वेश्चन समझने में जल्दी मतलब आसानी होती है, इजीली आप समझ पाते हो, ऑप्शंस जल्दी पुट कर पाते हो, अपने दिमाग को समझा पाते हो कि ये ऑप्शंस है, ये क्वेश्चंस है। तो इस तरह से बहुत हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो पक्का करना, और यूनिट्स अपनी थोड़ी इंक्रीज करना। अगर आपका इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो हो सकता है किसी यूनिट की वजह से लैग किया हो, उस चीज पे फोकस करना। और ये सारी चीजें अगर आप एक बार कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से जो है अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करोगे, जो भी आप चाहते हो नेक्स्ट ईयर वो जो है वो आप क्वालिफाई कर पाओगे। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, मेरी जो जर्नी थी, मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे, और मैंने क्या चीज़ें गलत की थी अपने स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में, और बाद में मैं क्या किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, तो उस तरह से शायद आपको भी हेल्प मिले इस वीडियो के थ्रू। फिर भी अगर आपका इस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है, कोई कमेंट है आपका, मतलब किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।